सजा धजा दूल्हा, शादी का माहौल। ये तस्वीरें मंडप की नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल में एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां पर एक दूल्हे ने शादी से पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी समझा और अपनी बारात रुकवाकर वैक्सीनेशन करवाया, साथ ही समाज को एक अहम संदेश भी दिया। दरअसल दूल्हा राजेश डिगर से अपनी बारात लेकर गांव मलकापुर जा रहा था। इस बीच रास्ते में जब उसने वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को वैक्सीन लगवाते देखा तो अपनी बारात रोक दी। दूल्हे ने सेंटर पर पहुंचकर न केवल पहले वैक्सीन लगवाई बल्कि वहां बनाए गए सेल्फी स्टैंड पर अपनी सेल्फी भी खिंचवाई। इसे जिसने भी देखा वो दूल्हे की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दूल्हे ने इस मौके पर कहा कि वैक्सीन लगवाकर उसने अपना फर्ज निभाया है। बारात मिलती है, आने से पहले वैक्सीन लगाई, हॉस्पिटल में हूँ, उसके बाद में विवाह में आया और अपना फर्ज निभाया और अपना फर्ज निभाया। ठीक सर, बढ़िया। आज मेरे छोटे भाई के का विवाह है और आज मैंने विवाह कराने से पहले अपने ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उसे कोरोना की वैक्सीन लगा दी, ताकि आगे आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी से उसका बचाव हो सके। और कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद ही हमने विवाह को पूर्ण करने का एक संकल्प लिया और अब हमारा फर्ज निभाया। ये तस्वीर जहां वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का पर्याय है तो वहीं समाज को एक संदेश भी देती है, जिसके जरिए हम कोरोना को मजबूत जवाब दे सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामकिशोर पवार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।